तो है जैसे कि ठीक। मैंने यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप की कोई फाइल हम जब यहाँ पे सेव करते हैं, सेव कर दिया व्हाट्सएप की फाइल, मान लीजिए हमने फॉर्मूला वीवीए के नाम से ही सेव कर लिया, तो जो व्हाट्सएप की फाइल अगर वो XLSM में होती है, व्हाट्सएप से या कहीं और से डाउनलोड करते हैं, जब उसको ओपन करते हैं ना, वो फाइल दिक्कत करती है ओपन करने, ये देखिए इसको ओपन किया हमने, अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको सर सिक्योरिटी रिक्स आ गई। अब सिक्योरिटी रिक्स आने के कारण क्या हुआ कि अब ये जो है आपका इसके अंदर जो वीवीए कंपोनेंट है, वो वीवीए का कंपोनेंट वर्क नहीं करे, समझे। अब जाएंगे यहाँ तो आपको वीवीए दिखाएगा, वीवीए के कोर्स दिखाएंगे, बट ये वर्क नहीं करेगा, समझे सर। क्यों इसका नहीं करेगा? सोल्यूशन नहीं क्या है, करेगा देखिए इसने क्या है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पहले बताता है कि अगर आप किसी तरह का ये माइक्रो कंटेंट यूज करते हैं तो सिक्योरिटी एनेबल करना पड़ेगा, लेकिन अननोन सोर्स से, जैसे व्हाट्सएप का जो ऐप है या कुछ और अननोन सोर्स से फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसको माइक्रोसॉफ्ट स्कैन नहीं कर पाता है, जिस कारण से एक डिजाइन मोड आपका एक्टिवेट हो जाता है और आपका कोई भी कोड नहीं होता। डिजाइन मोड जैसे ऑफ करेंगे आपको इस तरह से आएगा कि माइक्रो हैज बीन डिसेबल, ठीक है। अब इसको सही कैसे करें, तो सही करने के लिए सबसे पहले वहां जाना होगा जहां पे फाइल आपका सेव हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज में गया, प्रॉपर्टीज में आप यहाँ पे देखेंगे अनलॉक करके आ रहा है, ठीक है, दिस फाइल कम फ्रॉम द अनोदर कंप्यूटर एंड माइट बी ब्लॉक हेल्प टू प्रोटेक्ट दिस कंप्यूटर, समझ रहे हैं सर कि नहीं, इंग्लिश तो आती है आपको। अब इसको अनलॉक पे क्लिक करें एंड अप्लाई करें एंड ओके करें, अब जो है आपका जो माइक्रोज है अब यहां आसानी से ओपन हो जाए, ठीक है। अब आपके माइक्रोज काम करेंगे और डेवलपर भी देखिए डिजाइन मोड भी हट गई, क्लियर है। ओके ओके तो दिक्कत इसमें, खुल जाएगा सर आपको ये, तो बहुत यस सारे यस लोगों का यस कंप्लेन होता है कि सर आपने फाइल तो भेज दिया पर फाइल मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा है, डाउनलोड हुआ तो उसमें माइक्रो वगैरह वर्क नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं सुनील भारद्वाज की जो फाइल है उस फाइल को देखते हैं। हेलो जी, जी आपने फाइल नहीं भेजा सर, और अनिल जी ने भी नहीं भेजा, चलिए सुनील जी की फाइल की बात सर करते हैं। आज भेजता हूँ मैं, भेजता आज हूँ, आज हाँ भेजता हूँ सर। सबसे पहले हमने C1 क्वेश्चन यहाँ पे Q1 पे गए, C2.value उन्होंने इफ का फॉर्मूला डाला, बिल्कुल सही डाला, फिर ये एक्स यहाँ पे गए A 65,000 एक्सेस ऑफ ऑफसेट, दो कॉलम गए और सेलेक्ट किया और एक्टिव सेल और फिल डाउन, बिल्कुल सही किया सर एकदम करेक्ट, इसमें 100 में से 100 नंबर मिलते हैं आपको। C2 आपने यहाँ पे डॉट वैल्यू किया और यहाँ पे पास और फेल किया, सही है, आपने यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा लगाया क्योंकि मुझे पास और फेल बाहर शो करने हैं वो भी इन्वर्टेड कॉमा कर, तो आपने यहाँ बिल्कुल सही चॉइस किया है, ठीक है सर। सारे फिल डाउन वाले बनाए, कॉपी पेस्ट वाले भी करते का, दोनों मेथड सर मेरे वही को सही, एक मेरे को ये बढ़िया नहीं लगा, लगा नहीं मेरे को ये मेरे को वाला ये वाला फॉर्मूला सही फॉर्मूला लगा सर, सही फिल लगा, डाउन फिल का। डाउन, क्योंकि हाँ फॉर्मूला एक बार जो सही है दिमाग में दिमाग बैठा है वो ठीक वो है। ठीक है, वो बात सही है, लेकिन इसका और उसके में अंतर है ना सर, उसको भी जरूरत पड़ेगी कि कॉपी पेस्ट भी जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लीजिए आपको पेस्ट वैल्यू करना हुआ या पेस्ट फॉर्मूला ही करना है, फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, पेस्ट स्पेशल वगैरह करना है, तो क्या करेंगे, समझे कि नहीं। ठीक है सर ये फिर उसका उसका बताओ। हाँ जी हाँ जी मतलब दोनों मेथड मैंने आपको इसलिए समझाया था, ये आप दोनों मेथड को अच्छे से समझे और दोनों मेथड जरूरी है अपने अपने सिचुएशन पे, समझ गए, ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छा है वो बेकार है, नहीं वो भी है लेकिन उसका जरूरत अलग जरूर, जब आपको पेस्ट स्पेशल करना होगा, आपको फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए होगी,
तब, समझे कि नहीं सर? ठीक है ठीक चलिए आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पे परसेंट का सिंबल लगाया, बिल्कुल सही है, मिलेगा। इसमें दिक्कत नहीं हुई ना सर? अरे, तो मैंने अरे सीधा मैंने फॉर्मूला सीधा लगा के फॉर्मूला लगा कंफ्यूज के कर कंफ्यूज लिया कर सर लिया। आपने। चलिए भी सही किया आपने, ओटी और एनटी टाइम फॉर्मूले के अंदर डाला, बिल्कुल सही किया। और यहाँ क्वेश्चन नंबर सिक्स में, हाँ में फिफ एंड, और यहाँ पे चलो सही किया, सिक्स तक ही बनाया। बाकी भी मैंने बाकी बना मैंने लिए थे, बना बाकी लिए थे, तो बाकी आपने तो भेजे बनाया नहीं। नहीं। भेजे नहीं। अब बताइए डाउट क्या है, कुछ बोल रहे थे, कुछ डाउट्स है? डाउट है, डाउट मैं बताता हूँ बोलिए। क्या डाउट है। अगर मैं स्क्रीन शेयर स्क्रीन करता हूँ, शेयर कर, स्क्रीन शेयर करेंगे, जरूर कीजिए। हम आपको बताते हैं कि जो हम वीवी के थ्रू या एक्सेल के थ्रू फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या फर्क होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पाए डेटा है, हम उसी डेटा को सीट टू पे मुझे लुकअप करना है, और इसके लिए हमें क्या करना है? हमें इसके लिए वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम वीवी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। हम दोनों मेथड यूज करेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल की मेथड, इंसर्ट करते हैं न्यू मॉड्यूल्स और इसी में करेंगे। यहां पे देते हैं सब्जेक्ट वीएल के नाम, वीएल के नाम पे ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। अब मैं सिंपल सा यहां पे एक लेता हूं, सिर्फ एक क्या है हमारा नेम निकालना है। क्या निकालना है? नेम। तो एन इक्वल टू मैंने यहां लगाया एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, ठीक है, डॉट वी लुकअप। और इसके अंदर में पहले आता है लुकअप, कौन सा लुकअप है हमारा? तो ये हमारा ए टू है, तो यहां पे हम लिखेंगे रेंज ए टू डॉट वैल। आर्गुमेंट बोलता है कि भाई इसमें डेटा कौन सा है, तो हमने बोला शीट्स, शीट्स में हमारा डेटा शीट्स है, और डेटा शीट्स के अंदर जो, अब यहाँ पे मैं यहाँ स्पेस दे के अंडर स्कोर दे के नीचे मारता हूँ, यहाँ लिखता हूँ रेंज डॉट डॉट रेंज रेंज ए 65,000, नहीं ए नहीं 65,000 नहीं, ए से लेके और क्या है कॉलम मान लीजिए एम तक, एम कॉमा। दूसरा आर्गुमेंट है कॉलम नंबर क्या है, तो नेम टू है यहाँ पे कॉमा 0 करके, ठीक है, और एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे हम एन दिए, इसके जगह पे मैं यहाँ पे सिंपल रेंज B2 कर सकता हूं, रेंज यहां पे B2 डॉट वैल, ठीक है। अब एक बार रन करके भी आप देख सकते हैं, तो रन करके देखा आपने तो यहां पे पूजा आ गया, आ गया पूजा। अब मुझे इसी फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करना है बाकी सारे कॉलम्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे टू के जगह पे 3 होगा और रेंज B2 के जगह पे C2 होगा, और यहाँ पे D2 और यहाँ पे 3 के जगह पे हमारा 4 होगा, और यहाँ पे आपका E2 और यहाँ पे 4 के जगह पे 5 हुआ। तो वी लुकअप कैसे लगा रहे हैं वीवीए में, समझ में आया कि नहीं सर?
ये वीवी ए बराबर कंसेप्ट बराबर है। सबको समझ में आ गया? सर। अब मैं इसको रन करता हूं, तो रन करते आप देखेंगे यहां पे डेटा आ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि जब मैं मान लीजिए इसको सेवन कर दिया तो एंटर मारते रिजल्ट चेंज नहीं, एंटर मारते चेंज हुआ। अब यही काम मैं एक काम करता हूं यहां पे, यहां पे मैं ये डालता हूं, और नहीं यहां यही काम मैं एक्सेल के मेथड से कराता हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे वी लुकअप रहा। अब एक्सेल में मुझे ड्रैग करने पे मेरा कॉलम नंबर चेंज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और यहां पे कॉलम नंबर के लिए मैंने लगा दिया फॉर्मूला मैच का। मैच में हमने यहाँ पे कॉमा B2 और यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया कौन कॉमा 0, यहाँ पे कॉमा 0। तो हेडिंग के हिसाब से क्या हो गया? B2 ने, माफ कीजिएगा, ये B1 होना चाहिए यहाँ पे, मैं गलती से B2 कर गया। ओके, यहाँ पे आ गया नेम। अब मुझे आगे ड्रैग करना है, तो ड्रैग करने के लिए मुझे इसको करना होगा फ्रीज F4 B1 का 1 फ्रीज और A1 से F4 फ्रीज होगा। तो ये हमने लगा दिया, हम ड्रैग करने से मेरे पास आ जाए। लेकिन मैं ये काम नॉर्मली एक्सेल से नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे इसको बार बार करना होता है। क्या करना होता है? बार बार हमें इसको करना होता है, इसलिए मैं इस काम को एक्सेल के थ्रू करूंगा। किसके थ्रू? वीवी के थ्रू करूंगा, एक्सेल मेथड बट वीवी के थ्रू करूंगा, कि मुझे कई बार इसको डालना पड़ जाता है। इसके लिए चलिए मैं अलग से मैक्रो बनाता हूं। तो यहां पे मैंने दिया सब्जेक्ट और यहां पे VLE के नाम से मैंने बनाया मैक्रोस। और यहां पे देता हूं मैं सबसे पहले रेंज, रेंज में हमने बोला कि B2 डॉट वैल्यू इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में उस फॉर्मूले को हमने डाल दिया। फिर रेंज हमने यहाँ पे डाला XFD1 डॉट एंड XLS2 लेफ्ट, लेफ्ट होगा ना, डॉट लेफ्ट ऑफसेट, डॉट ऑफसेट। ऑफसेट में हमने बोला 1 रो 0 कॉलम, डॉट वैल्यू नहीं डॉट सेलेक्ट, डॉट सेलेक्ट। फिर रेंज हमने बोला एक्टिव सेल से स्टार्ट करो, और फिर हमने बोला एक्टिव सेल डॉट एंड, और इसमें हमने बोला XL2 left डॉट फिल डाउन, फिल डाउन है, फिल राइट होगा, फिल राइट। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं, इसको डिलीट कर देता हूं। ये सोचते हैं हम लोग, ये आपकी फाइल बंद करनी पड़ेगी, कि आपने माइक्रो नेम Q1 Q2 Q3 लग ले रखा है, तो वहां पे पहुंच जा रहा है। लंच ये हाउ सही है आया, वी रन, समझ गया?
अब यहां पे जैसे मैं 10 करूंगा तो मुझे दोबारा माइक्रो रन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीवीए का फॉर्मूला नहीं, एक्सेल का फॉर्मूला लगा, समझे। तो कई बार क्या होती है कि हमें फाइल जो बनानी होती है, बनानी तो वीवीए के थ्रू होती है ताकि मुझे हर दिन बनाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन उसके अंदर हमें एक्सेल के कंपोनेंट डालने होते हैं, रियल टाइम अपडेशन के लिए। लेकिन रियल टाइम अपडेशन के लिए हम वीवीए फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वीवीए फंक्शन इस्तेमाल करने का एक और नेगेटिव पॉइंट होता है कि कल के रेट में आपको अगर कुछ करना है, किसी को फाइल भेजनी है तो वीवीए फाइल जाएगी, लेकिन वो पर्सन वीवीए फाइल के लिए रेडी नहीं है, बोलता नहीं वीवीए कंपोनेंट ना डालिए, या फिर वो उस फाइल को वेब पे या गूगल शीट पे देखता है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पे हम इस तरह की मेथड इस्तेमाल करें। क्या सुनील जी, अनिल जी एंड अरुजीत जी, क्लियर हुआ? सही रेंज में रेंज आपने में आपने एक्स एक्स एफ डी एल एफ क्यों डी एल लिखा है, क्यों लिखा है डी वन डी वन सर क्यों नहीं, यहाँ जब लास्ट में जाएंगे ना, क्योंकि हम अभी जो काम कर रहे हैं वर्टिकल कर रहे हैं ना, तो हम सबसे लास्ट में यहाँ आएंगे, तो एक्स एफ डी वन ही है ना अच्छा क्या? अच्छा अब ठीक है सर ठीक है यहां से वो लेफ्ट लेगा, लेफ्ट में आने के अच्छा बाद अच्छा फिर अच्छा ऑफसेट से एक रो नीचे आएगा, फिर अच्छा वो एक्टिव एंड सेल वाला एंड रखेगा। वाला ही है जी। हाँ, एन वाला फंक्शन है, तो ऊपर से हमने अभी तक जो सिखाया था आपको, नीचे से ऊपर का सिखाया, अभी आपको मैं लेफ्ट टू राइट सिखा दिया, ठीक इसीलिए तो यहाँ पे मैं फिर राइट किया है, फिर डाउन नहीं किया है, क्योंकि हाँ हमारी जो समझा चीज है राइट में। ठीक है सर, तो इसकी कीजिए प्रैक्टिस, अगली क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ रेंज की फॉर्मेटिंग के बारे में, कि हम रेंज को फॉर्मेट कैसे करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर चलिए तो मिलते हैं, अगर कोई डाउट वगैरह हो तो हाथों हाथ पूछ लिया कीजिए। ठीक है सर। ओके ओके।